बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से ठीक हैं। सफ़ायर की स्टोर में नई कलेक्शन लॉन्च हुई है, साड़ी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोगों ने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। एंड में मैं आप लोगों के साथ स्टिच डिज़ाइन भी शेयर करूँगी इसी कलेक्शन का। अनस्टिच के अंदर उन्होंने स्टिच करके भी लगाया। अगर कोई स्टिच खरीदना चाहता है स्टिच में खरीद ले, अनस्टिच खरीदना चाहता है अनस्टिच खरीद ले। टू पीसेज हैं, थ्री पीसेज हैं, शॉल के साथ हैं, लिनन है, कैम्ब्रिक है, खद्दर है, बहुत अच्छी ऑप्शन है, सारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनकी जो लोएस्ट प्राइसेज हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 2590 से, टू पीस से लेके अपवर्स जा रही है 12,000 तक। डिपेंड करता है कि आप किस रेंज में क्या ख़रीद रहे हैं। जो 12,000 तक है वो दूसरी तरह के हैं। ये सारे मैं आप लोग के साथ एंड में लाजमी जो है इनके स्टिच डिज़ाइन शेयर करूँगी सेम आर्टिकल्स के। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिए। इनकी नई कलेक्शन बहुत ही प्यारी, और आज पहला डे था लॉन्च का और इतना रश भरा हुआ था सफ़ायर पर जिसकी कोई हद नहीं है। मैं अभी घर नहीं आई हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूं। बहुत ही अच्छी थी, लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदते थे क्योंकि प्राइसेस बहुत मुनासिब और बहुत सूटेबल थी, और खद्दर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि आप लोग स्टोर को लाजमी विज़िट कीजिएगा। बहुत ही अच्छी आपको कलेक्शन मिलेगी, हर तरह के पीसेस मिलेंगे और अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलेंगे। पहले प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब हर ब्रांड कोशिश करी कि प्राइस को कम से कम रखा जाए ताकि उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हों, क्योंकि लोगों के पास जो बाइंग पावर है आजकल वो बहुत कम रह गई है। मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग लाजमी वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, और इनके जो आर्टिकल्स हैं आप स्टिच में ना उठाइएगा, अनस्टिच में लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग यही सेम आर्टिकल स्टिचिंग में लेते हैं तो आपको तकरीबन 3 से 4,000 का डिफरेंस पे करना पड़ेगा, जबकि अगर आप खुद यही लेके स्टिच करवाएंगे तो इतना डिफरेंस नहीं बनेगा। आपके दर्जी इतना चार्ज नहीं करेंगे जितने सफ़ायर एक स्टिचिंग के ऊपर चार्ज कर रहा है। ये थ्री पीस वाले हैं, ये भी बहुत अच्छे थे शॉल्स के साथ ही। कईयों के साथ शॉल ब्लेंडेड शॉल थी, कईयों के साथ खद्दर की शॉल थी। तो आप लोग चाहिए उसको खुद विज़िट कीजिए। काफ़ी लोग खद्दर की शॉल ले लेते हैं, लेकिन कुछ लोग खद्दर की शॉल लेना पसंद नहीं करते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं लाइटिंग इस तरह से कैप्चर करूँ कि आपको एक्चुअल कलर्स नज़र आएँ, कोई भी कलर जो है आपको कंट्रास्ट की वजह से ज़्यादा ना लगे ना कम लगे। तो जिस तरह के एग्जैक्ट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं वीडियो में, इसी तरह के एग्जैक्ट कलर्स हैं। बहुत ही प्यारी कलेक्शन आई है इनकी, हर तरह के कलर्स अवेलेबल हैं, हर तरह के कंट्रास्ट अवेलेबल हैं, हर तरह के दुपट्टे हैं साथ में। चाहे किसी को शॉल का चाहिए, चाहे किसी को ब्लेंडेड शॉल चाहिए, या किसी को खद्दर की शॉल पसंद है, लिनन अगर आप लेना चाहें वो भी अवेलेबल है, आप कैम्ब्रिक लेना चाहें वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, खद्दर की भी अवेलेबल है। अगर आप खद्दर में ही थोड़ा सा फॉर्मल जाना चाहें वो भी अवेलेबल है। टू पीस वाले थे और इसमें से मैंने खुद भी लिए हैं। ये वाले बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो रहे हैं, स्पेशली जो ऑफ वाइट ऊपर गुजरा है जिसके ऊपर रेड कलर के फूल हैं, खद्दर का था, वो बहुत ही प्यारा था। इनके स्टिचिंग डिज़ाइंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, सिले हुए बहुत प्यारे लगेंगे। आप लोग के ऊपर है बिल्कुल कि आप लोग इसको कैसा स्टिच करवाते हैं। बाजू के ऊपर लाजमी अपनी स्टिचिंग की डिटेलिंग के ऊपर गौर किया करें, क्योंकि बाजू एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके पूरे आउटफिट को बदल के रख देती है, बहुत अच्छा लुक लगता है उसका। उसके अलावा ये वाले कुछ सेल्फ प्रिंटेड से ऑप्शन थे, उसके अलावा इस तरह के भी ऑप्शंस अवेलेबल थे। ये मस्टर्ड ग्रीन सा कलर आजकल बहुत इन हुआ है, इसके ऊपर पहले भी इनका आया था आर्टिकल, इसके बाद इस दफ़ा फिर आया है। उसके अलावा आप देखें इनके पास हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये वाला स्टिचिंग में मैं आपको दिखा रही हूँ, अनस्टिच में भी अवेलेबल है, स्टिच में भी अवेलेबल है, और प्राइस का डिफरेंस आप लोग को देख लीजिएगा 3 से 4,000 रुपये का। तो अगर आप लोग अपने टेलर से स्टिच कराएंगे आपको सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप यहाँ से स्टिच हुआ लें, अनलेस आपको कोई एमरजेंसी और आपने कहीं पर पहनना हो। मैं आपको प्राइस टैग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देखते जाएँ। उसके अलावा मैं आप लोग को बाजू के स्टाइल भी दिखा रही हूँ, गले की भी दिखा रही हूँ, ताकि अगर आप लोग अनस्टिच लेते हैं आपको पता नहीं है कि उसको स्टिच किस तरह से कराएं, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया रेफरेंस मिल जाएगा। इसके साथ बैकी बाजू उन्होंने बनाए हुए थे, और इसके साथ शॉल थी, शॉल कुछ इस तरह से थी, इसकी शॉल का स्टफ अच्छा था, ब्लेंडेड शॉल थी। ये वाला भी आपको स्टिच में अवेलेबल होगा, आप लोग चाहें तो स्टिच भी ले सकते हैं। इनके अंदर जो साइजेस अवेलेबल हैं वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके लार्ज तक हैं, जबकि अगर आप लोग इनके बाकी कलेक्शन में जाएंगे रेडी टू वेयर में तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं होता, बल्कि एक्स्ट्रा स्मॉल एंड स्मॉल होता है। पर जो इन्होंने खुद से स्टिच किया उसमें इन्होंने डबल एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर लार्ज तक वहाँ पे दिए हुए हैं आपको। इसके साथ पीच कलर की शॉल थी, ये वाला उन्होंने जैकेट स्टाइल में स्टिच किया था। ये वाला अगर आप लोग को लगता है कि आपका दर्जी नहीं ठीक स्टिच कर पाएगा तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से इसके बाजू का डिज़ाइन आप लोग किसी भी अपने और सूट के ऊपर बनवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा बटन वाले बाजू। और इसकी प्राइस ये थी। इसके अलावा ये वाला भी मैंने आप लोग को ऑप्शन शेयर किया स्टिच करवा के, आप लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं। लॉन्ग शर्ट्स इनकी ज़्यादा थी, शॉर्ट शर्ट्स अब ज़्यादा कम आ रही हैं, लेकिन लॉन्ग शर्ट्स के ऊपर हर ब्रांड ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो वापस उसका पहले बहुत इन थी, फिर वो आउट हो गई थी, इस दफ़ा दोबारा बहुत इन हो रही हैं। तो अगर आप लोग अपने कपड़े ले रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग मिक्स स्टिच कराएं, कुछ शॉर्ट करवा लें कुछ लॉन्ग करवा लें, लेकिन लॉन्ग को बिल्कुल ही स्किप ना करें क्योंकि लॉन्ग का जो कम बैक है वो ज़्यादा हो रहा है।
उसके अलावा ये वाला ऑप्शन है, ये वाला अनस्टिच के अंदर आपको मिल जाएगा। स्टिचिंग में इन लोगों ने इसको स्लीवलेस के साथ रखा हुआ था। और इसके जो शॉल है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले आप प्राइस देख लें। उसके बाद इसके शॉल इस तरह से है, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक ही वो एम्ब्रॉयडरी वाली इसी तरह से बनी हुई है। ये वाला जो है ये कैम्ब्रिक का है, ये लेलन नहीं है। इसके साथ शॉल है, शॉल भी मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। इस तरह से कलर कंट्रास्ट के साथ है, प्यारा लग रहा था, बुरा ऑप्शन नहीं था। ये वाला खद्दर का है, टू पीस है इसको आप, नहीं सॉरी ये थ्री पीस था, इसको आप इस तरह से बाजू लगा के स्टिच करवा सकते हैं। बाजू की स्टाइलिंग आप देखा करें, कफ लगा के कितने बटन लगे वो सारी चीज़ बहुत मैटर करती है। उसके अलावा ये वाला जो आर्टिकल है इसमें दो कलर्स अवेलेबल हैं, ये वाला और एक ब्लैक वाला। इसको इन्होंने पॉकेट के साथ स्लीवलेस स्टिच किया हुआ था, आपकी कंप्लीटली मर्जी आप इसको किस तरह से डिज़ाइन करवाते हैं। ये वाला कलर भी प्यारा था, इसका एम्ब्रॉयडरी नेक लाइन है बहुत ही प्यारी थी। उसके अलावा इसके जो बाजू हैं वो इस तरह से फिटिंग वाले बाजू बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, आपके जो ओवरऑल लुक को होते हैं बहुत स्लिम दिखाते हैं। ये वाला लेलन वाला है इनका, इसी वाला इसी तरह का जो इनका पहले है लॉन के ऊपर आ चुका हुआ है, जो कि एक रजीज़ ने पहना था, बहुत इनका वो वायरल गया था। उसके अलावा ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, इसको इन लोगों ने बटन लगा के फिटिंग वाले बाजू के साथ लॉन्ग फ्रॉक की सूरत में स्टिच किया, आप लोग भी इस तरह से करवा सकते हैं। और इसके साथ ये वाली शॉल है जो कि प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारा ऑप्शन, आप लोग खुद लेके स्टिच करें, आप लोग को काफ़ी ज़्यादा प्राइस में जो है डिफरेंस फील हो जाएगा, क्योंकि आपके दर्जी ऑब्वियसली आपको 3 से 4 हज़ार रुपया एक चीज़ के ऊपर चार्ज नहीं करेगा। उसके अलावा इसकी शॉल इस तरह से मैं आपको खुली हुई दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को पता चल जाए क्या कलर कंट्रास्ट है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे मेक श्योर आप लोग वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आगे और भी इनके भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन आएगी और मेरी कोशिश होगी मैं सारे कलेक्शन आप लोगों से वक्त से पहले शेयर करूँ। ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है एज़ कम्पेयर टू मेरी अदर वीडियोज़, वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कलेक्शन आई हुई थी और मैं कोशिश करी थी कि मैं आप लोगों के साथ सारे डिज़ाइन के आर्टिकल्स और स्टिचिंग आइडियाज़ हर चीज़ शेयर करूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।